सुंदर हलवाई हो, शबरी नहीं, जिनके जूठे बेर भी राम जी ने चख लिए। राम जी आ भी गए ना तो ये लड्डू तो खाएंगे नहीं। क्यों, कोई गलती हो गई हमसे? गलती हो गई? राम जी के भोग के लड्डुओं में बादाम गेरनो कैसे भूल गए हो? इन्होंने तो लड्डू चखे भी नहीं, फिर इनको कैसे पता कि लड्डुओं में बादाम नहीं है? अनुभव से अब तुम दोनों ना ये खुश पुसाना बंद कर दो, क्योंकि तुम लोग तो जानते ही हो कि हमारे कान नाक आंख तुम्हारी बुद्धि से ज्यादा चलते हैं। 75 के हो गए हैं लेकिन पैर के नख तक में एक भी बीमारी नहीं है। बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर कुछ भी नहीं। नजर गिद्ध की और फुर्ती चीते की, और पकड़ ऐसी कि टेढ़ा दबा दे ना तो छुड़ा भी नहीं पाओगे। दादी, अच्छे से लगाना नेहा, मेरे बेटे मानस के नाम की मेहंदी है। रंग गहरा खिलना चाहिए। जी। मौली, तू रो क्यों रही है? बचपन से इसी घर में रही है और शादी के बाद भी इसी घर में रहना है। तूने कभी खुशी के आंसू के बारे में नहीं सुना क्या? मॉम डैड के गुजर जाने के बाद अनाथ हो गई थी मैं। पूरा बचपन तरसती थी कि कोई हो जिसे जिसे पापा कह सकूं, माँ माँ कह सकूं, मेरा अपना परिवार हो। जो रिश्ते हमें नसीब नहीं होते ना, उन्हें हम पूरी जिंदगी ढूंढते हैं। नेहा, आज आज मुझे सब मिल रहा है, तो खुश हूं मैं। खुशी के आंसू इतने मत बहा कि मेहंदी का रंग फीका कर दे। सच में मौली, जो तूने आज तक मेरे लिए किया है ना, सगी बेटी भी नहीं करती। क्या अंकल, यही दोस्ती यही प्यार खड़ी करती ना परायेपन की दीवार। अपना मानती है तो फिर अंकल नहीं पापा बोलने की आदत डाल लो। जी पापा। मेरे नालायक बेटे के लिए ना तुझसे अच्छी लड़की दिया तो क्या, सर्जिकल लाइट लेकर भी जाऊंगा ना ढूंढने के लिए तो नहीं मिल सकती। मुझे सच में लगा था कि मेरे और आशना के पीछे सब कुछ खत्म हो गया, बट नहीं हुआ यार, इसीलिए डिसीजन ले रहा हूं मैं। मानस, शादी हम दोनों की हुई, डिसीजन तुम अकेले कैसे ले सकते हो? क्योंकि ये शादी कंटिन्यू नहीं कर सकता मैं तुम्हारे साथ। अब आशना मेरी जिंदगी में वापस आ गई है ना, I love her. मैं जा रहा हूं उसके पास 2-3 दिन के लिए और आगे का सब कुछ प्लान करना है। मानस, इतना मतलब भी कैसे हो सकता है तू? हर मायने में तुझसे बेहतर है, वो डॉक्टर है जो तुम कभी नहीं बन सके। दिल की अच्छी है, सुंदर है, मेरे कहने पे तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई वो। पापा, मौली जो आपके लिए है वो तो मैं कभी हो ही नहीं सकता ना। आप चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं फेल हो गया, पर मौली बनी डॉक्टर। एक पराई लड़की सगे बेटे से भी ज्यादा सगी लगी आपको। मानस, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत होते हैं। प्लीज मौली, तुम तो रहने दो, तुम्हें पता है कि मैं शादी करना नहीं चाहता था तुमसे, वो तो पापा ने जबरदस्ती। मानस,
जबरदस्ती नहीं, तुमसे पूछा गया था, तुमने हाँ कहा था। हाँ कहा था, पर अब आशना मेरी जिंदगी में वापस आ गई तो उसके पास ही जाऊंगा ना मैं। मानस, मानस प्लीज एक बार शांत दिमाग से सोच लो। मानस प्लीज, मां प्लीज आप तो समझो ना, मैं मौली के साथ रह के जिंदगी भर खुद को टॉर्चर नहीं कर सकता। बात खत्म। तो बात हमेशा के लिए खत्म करते हैं मानस। तुझे मौली से कोई रिश्ता नहीं रखना ना, तो मुझे भी तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना। इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तो ठीक, अब रहिए अपनी बेटी के साथ हैप्पी फैमिली बनकर। मैं अपना देख लूंगा। एक गलती की है उसके लिए सॉरी बोल रहा हूं, पर एक गलती की सजा मैं जिंदगी भर नहीं झेल सकता। मानस याद रखना, एक बार घर छोड़ के चले जाओ तो जिंदगी भर लौटना मुश्किल हो जाता है। मनोज, एक बार जो घर छोड़ के चला जाता है ना, तो इसका लौटना मुश्किल हो जाता है। ये तुमने क्या किया मनोज, मेरे बेटे को अपना ही घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया तुमने। वो सॉरी बोल रहा था ना, तुमने भी तो अपने ही टाइम पर ऐसी ही मनमानी की थी। मानस, मानस रुक, मानस, मानस बेटा रुक जा। मनोज, मनोज, मनोज रुक जा बेटा। मनोज, मनोज, एक बार जो घर छोड़ के चला जाता है ना, तो इसका लौटना मुश्किल हो जाता है। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं मनोज, घर छोड़ के मत जा। मनु बेटा, तू घर परिवार का गौरव है, इस तरह रिश्ता मत तोड़। क्या कर रहे मनु भैया, रुक जाइए ना। हम तुमसे विनती कर रहे हैं, घर परिवार का गौरव। ये शादी कंटिन्यू नहीं कर सकता मैं तुम्हारे साथ। अब आशना मेरी जिंदगी में वापस आ गई है। मैं जा रहा हूं उसके पास। पापा, मैं चलूंगी आपके साथ, हम जाएंगे आपके मेहंदी वाले घर। रघु काका, सारा सामान गाड़ी में रखवा दीजिए, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। न्यूज़ पापा, आपकी रिपोर्ट सब नॉर्मल है, आप तो कुछ ही दिनों में सुपर फिट सुपर हिट हो गए। लीजिए। अजंता ने देख लिया तो? बिजी है, थोड़ा सा चख लीजिए। उज्जैन जा रहे नई शुरुआत करने, मुंह मीठा मन अच्छा करके चलेंगे। मुंह मीठा तो मैं अब तभी करूंगा जब जानकी माँ मुझे माफ करके ना तेरे सर पे आशीर्वाद वाला हाथ रख देंगे। फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं चेंज कर लेता हूं। जी। मेहंदी था आपकी रस्म में, मेहंदी वाले घर की अपनी रस्म, जिसमें लड़की के पिता होने वाले दामाद को मेहंदी के थापे लगाकर उनका परिवार में स्वागत करते हैं। इस परिवार में एक पिता के लिए कन्यादान से भी बढ़कर होती है ये रस्म। खुशी का दिन तो है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण है, क्योंकि आज ही वो दिन है जब जान की माँ अक्षय को सजा सुनाने वाली है। पत्रिका भेजते हुए तो हाथों में बहुत दम आ गया था, अब क्या हो गया? झपक झपक पीसो जल्दी। जी जी। जानकी, जाने दो, हो गई गलती। घाट पे जाके दामाद जी को अपने हाथ से मेहंदी लगानी है अक्षय को। सब खुशी खुशी जाते हैं, मन क्यों खराब कर रही हो, अपना भी और अक्षय का भी, ताकि आगे चलकर कि मनोज जैसी कोई गलती ना करे।
जिस चीज की गारंटी नहीं ले सकती उसका प्रॉमिस तुमने क्यों किया मौली? कितनी बार तुम्हें समझाया कि मनोज को उज्जैन ले जाना इज अ बैड आइडिया। वो लोग नहीं करेंगे मनोज को माफ। अब जब डिसाइड कर लिया है उज्जैन जाने का तो अच्छा अच्छा सोचिए ना मम्मा। पापा का बहुत मन है वहां जाने का। मौली डॉक्टर हो ना तुम, तुम्हें पता होना चाहिए कि पेशेंट का ट्रीटमेंट उसके मन से नहीं मेडिसिन से होता है। ट्रस्ट मी मानस, पापा के लिए उज्जैन जाना मेडिसिन जैसा ही होगा। मैंने देखा था कैसे ऑपरेशन के टाइम उनके बॉडी ने मेहंदी की पत्ती पर रिएक्ट किया था और सर्जरी के बाद फैमिली के बारे में बात करते हुए उनके चेहरे पे एक स्माइल थी और आज आज भी ही इज सो हैप्पी मानस। एक्सक्यूज मी, हम्बल रिमाइंडर, उनका असली बेटा मैं हूं तुम नहीं। पापा की टेंशन तुम मत लो, मैं हैंडल कर लूंगा। ये अनलिमेंट के पेपर्स से साइन कर दो प्लीज। इसके बाद हमारी शादी कैंसिल, ये रिश्ता भी लीगली खत्म कर देते हैं। उसके बाद तुम फ्री और हैव अ ग्रेट लाइफ। तुम बहुत लकी लकी तुम होने वाला लाइफ पार्टनर जब आपका दोस्त हो जिसे आप सालों से जानते हो तो एंजाइटी नहीं होती, सब कुछ कितना इजी हो जाता है ना। मेरा सपना सच होने जा रहा है, मेरा अपना घर होगा, अपना परिवार, पापा मम्मा पति सब कुछ। अब से कभी कोई मुझे अनाथ कहकर नहीं बुलाएगा। मानस के जाने को बहुत बड़ा इश्यू मत बनाओ, क्योंकि जितना बड़ा बनाओगी मनोज की रिकवरी उतनी मुश्किल हो जाएगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.